इसमें हम तकरीबन आधा चम्मच जो है वो मिलाएंगे नारियल का तेल। आप जैतून का तेल भी मिला सकते हैं और बादाम का तेल भी मिला सकते हैं, लेकिन नारियल के तेल से आपको खुशबू बहुत प्यारी आएगी। तमाम को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर रेडी है, बहुत सस्ते में आप नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अपने हाथों पे लगाइए, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि मेरे हाथ बहुत ज्यादा कलर इनका खराब हो चुका है। मैं जल्दी से वापस आने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे हाथों का रंग और मेरा रंग जो है वो वापस पहले जैसा हो जाए। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छे से हमने अपने हाथों का इस मिक्सचर से मसाज करना है और मसाज करेंगे हम 2 मिनट के लिए हल्के हाथों के साथ। 2 मिनट में मसाज कर लेती हूँ और इसके साथ ही आप यही अभी मैं मसाज कर रही हूँ, कुछ सेकंड्स रहते हैं तो आप देख रहे हैं कि हाथ अभी से मेरे कितने फेयर होना शुरू हो गए हैं पहले के निस्बत। ये फाइनली आप देखिए, आपको रिजल्ट पहले भी नजर आ रहा था आप, लेकिन इसके बाद हमारा एक स्टेप बाकी है। ये ठीक हो गया, यहाँ तक अब हम इसको कर लेंगे वॉश। वॉश करने के बाद आप हाथ देख रहे मेरे कितने साफ हो गया, लेकिन अब ये मेरे पास है एग वाइट यानी कि अंडे की सफेद। इसे हैंड वॉश कर लेने के फौरन बाद आपने अपने हाथों पे कुछ इस तरह से अप्लाई करना है, ब्रश की मदद से ना करें क्योंकि हमने इसको फेंकना नहीं है। इसी तरह से अपने हाथों पे अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से आप अपने हाथों पे अप्लाई कर ले। मैंने क्योंकि आज दोनों हाथों पे किया है ताकि मेरे हाथ थोड़े जो है वो बेहतर हो जाए। तो ये देखिए मैंने अप्लाई कर लिया, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। ड्राई हो चुका है, मेरे हैंड जो है वो एकदम से टाइट हो चुके हैं, मुझे बहुत प्यारा समझो रिलैक्स सा फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरे हाथों की मसाज भी हो गई है, तो अब उसके बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया। आप अगर चाहे तो वापिस जाके भी होगा मतलब साथ में मेरे हाथों का रख के देख सकते हैं। इसको आप तकरीबन यूज कीजिए कि हफ्ते में आप चाहे तो 4 बार भी दोहरा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है। आप अगर छोटी उम्र की भी है यानी 15-16 साल की है या 15-16 साल के आप लड़के हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके हाथों की बहुत सस्ते में बहुत शानदार सफाई हो सके इतने आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि घर की किचन में ही अवेलेबल होते हैं लेकिन उनके फायदे हमें मालूम नहीं होते। सिर्फ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किस चीज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। चीनी की जगह पे आप नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि अगर आप थोड़ा हाथ तेज चलाएंगे तो आपके हाथ थोड़े रेड हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। खैर, तो आपको ऑयल का भी बता दिया, अगर आप नारियल का इस्तेमाल नहीं करें तो उसके अलावा आप कौन कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके आज के। जरूरी नहीं कि किसी की आह या बददुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो, बाज़ोकात किसी का जब्त और बेपनाह सफर भी तुम्हारी खुशियों की राह में भारी रुकावट बन जाता है। बात पे गौर करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वाले बहन का भी ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत और खूबसूरती का भी। सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में हमारी स्किन जो है वो ज्यादातर लोगों की ज्यादा खराब होती है, ड्राई होती है, डार्क हो जाती है। तो अपनी स्किन की ज्यादा से ज्यादा केयर करिए अपनी सेहत के साथ साथ। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती